Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. देखना तो पहली ही बारी में कर दिखाऊंगा मैं। ठीक, तुमने मिस कर दिया। हाँ, क्योंकि हवा बहुत तेज है ना। हाँ, हवा बीच में आ गई ना। ठीक है, मुझे एक मौका और दो। इसके रास्ते में हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है। फाउंडिंग। हाँ? देखो मुझे क्या मिला। ये वहाँ मिट्टी में था। एग, मैं सोच रही हूँ ये किसका होगा। मेरा मतलब ये किस जानवर का है। अगर हमें जानना है ये एग किसका है तो इस पर हमें बैठना पड़ेगा ताकि वो बाहर आए। तो टिक, तुम इस पर बैठ जाओ। सिट डाउन। क्या, मैं क्यों बैठूँ इस पर। क्योंकि तुम काफी फ्लफी हो, बिल्कुल एक बर्ड की तरह। बेचैनी तो बढ़ती जा रही है। तुम्हें क्या लगता है इसमें से क्या निकलेगा, पत्ता या फिर एक सांप। मैंने सुना है वो भी एग से निकलते हैं। वाह, क्या कहा तुमने, सांप। देखो तो, ये एक छोटा सा टर्टल है। कितना प्यारा है ये और बहुत मासूम भी। ठीक, एक सांप और टर्टल में फर्क ही नहीं कर पाता। ओह कम ऑन लियो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, डरा रहा था तुम्हें। मेरा खाना। जंगल की तरफ भागो। बाल बाल बच गए। मैं वापस आऊंगा। हमारी नन्ही टर्टल ने अपनी उंगलियां आपस में चिपका ली हैं। शायद ये कुछ अलग हो। तुमने सही कहा, इसीलिए बाकी टर्टल्स ने इसे छोड़ दिया। ओ बेचारा, फिकर मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, है ना टिक। हाँ क्यों नहीं, जरूर रखेंगे। मैं इसे एक बहादुर टाइगर बनाऊंगा। मगर टाइगर ही क्यों, हाँ वो एक ग्रेट लेपर्ड भी बन सकता है। ओके, तो मैं इसका नाम रखती हूँ बेबी टी। याद रखना बेबी टी टाइगर टाइगर का किंग है। हमारे बीच एक किंग भी है। बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम जानते हो कि सब लोग टाइगर से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। समझ आया? कोशिश तो करो एक बार, थोड़ा जोर से, जैसे मैंने किया। Enough, now it's my turn. वार से सुनो बेबी टी, घात लगाकर सही वक्त पर हमला करने में लेपर्ड माहिर होते हैं और लेपर्ड से तेज कोई नहीं भाग सकता। हाँ?
वैसे ये एक लेपर्ड जितना अच्छा तो नहीं था, लेकिन अच्छा स्टार्ट था। तो बाथटब में कैसा लग रहा है तुम्हें बेबी टी? ठीक है, मेरी क्यूटी पजूटी। ओके, बेबी टी, तुम्हारा मिशन है कि तुम इस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ोगे, और हम टाइगर्स इसको शिकार करना कहते हैं। चलो जाओ। अब मेरी बारी है उस बेबी टी को सिखाने की। अभी नहीं, मैं उसे सिखा रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। बस बहुत हुआ, वो एक टाइगर नहीं बल्कि एक बहादुर लेपर्ड बनेगा मेरी तरह। टाइगर लेपर्ड क्या कर रहे हो? वो अभी इतना छोटा है और तुम लोग उसे हाँ? वो कहाँ गया? वो हमारा बेबी टी कहाँ गया? लिटिल गाय, तुम कहाँ हो? बेबी टी, कहाँ हो तुम? बेबी टी, कहाँ गए? आ जाओ बाहर, हम यहाँ हैं। इस तरह तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें अलग होना होगा। टेक, तुम लेफ्ट जाओ और मीला तुम राइट, और मैं जाता हूँ स्ट्रेट। कहाँ हो बेबी टी? कहाँ चले गए तुम? तुम यहाँ किसे आवाज दे रहे? ओह, मामा पेंजी का। वो असल में हम लोग अपने लिटिल टी को ढूंढ रहे हैं। ये लिटिल टी कौन है? वो छोटा सा टर्टल है, और वो ऐसे ऐसे चलता है, और उसके पाँव की उंगलियाँ आपस में चिपकी हुई हैं। आपने उसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। और ये जो तुम कह रही हो कि उसके चिपके हुए पांव हैं, वो बेबी टर्टल है, तो वो टर्टल यहाँ क्या कर रहा है? मीला, टर्टल्स तो कहीं और रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? टर्टल्स पहले तो सिर्फ साहिल पर रहते थे। मीला, ये कहानी एक जजीरे की है जो दरिया के बीच में था। जैसे ही वहाँ बाहर आई, पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता चला गया, और साहिल के किनारे मौजूद एक जजीरा पानी से भर गया। उस वक्त कुछ बूढ़े टर्टल्स दरिया के पास गए और कहा कि उन पर रहम करें, उन्हें और उनके बच्चों को तैरना सिखाएं। दरिया ने उन बूढ़े टर्टल्स की बात मान ली और तैरने के लिए चपटे पांव दे दिए। लेकिन आज भी वो अपने अंडे खुश्की पर देते हैं और फिर पानी में चले जाते हैं, ताकि उनके बच्चे जान सकें कि वो कहाँ रहते हैं, और जमीन ही उनका पहला घर है। और हाँ, एक मजे की बात बताऊं, जब भी कोई नन्ना टर्टल दुनिया में आता है, उसके बड़ों की रूहें उसको पानी में तैरना सिखा देती हैं। इसका मतलब है बेबी टी पानी का जानवर है। हेलो बेबी टी, अगर हमें सुन रहे हो तो आवाज दो। हाँ, वो तो कहीं नहीं मिल रहा। लियो, मुझे मालूम हो गया है, बेबी टी पानी का जानवर है। क्या, पानी का जानवर? इसका मतलब है कि बेबी टी वो दरिया के किनारे गया है। हाँ, मगर गाइस, वो वल्चर। मेरा लंच आ गया, वो भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी टर्टिला शेल के साथ। Hey, तुम हमारे बेबी टी के सामने से हट जाओ। जरा दोबारा कहना तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। अपनी गंदी चोंच बेबी टी से दूर रखो। चले जाओ, ऐसा ना हो इसके साथ तुम्हें भी खा जाऊं। भागो टी, तुम क्या कर रहे हो? पर छोड़ो, बेबी टी। चलो,
छोड़ो उसे। चाहे तो मुझे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मेरे पर क्यों कर रहे हो? किसी जान में ताकत नहीं है। ये हुई ना बात, चलो टेक। क्या मुझे नहीं खाना तुम्हें? क्या मैं आसे? मेरी सारी पूछ खराब कर दी। अभी तो बच गए तुम, अगली बार नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। Well done, baby G. That's my student. नहीं, ये सब मैंने सिखाया है। नहीं, हमने मिलके सिखाया है। इतना बड़ा टर्टल, वो शायद इसे लेने आया है। Goodbye. Take care. ये तुम्हारी फैमिली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत जबरदस्त टाइगर थे और एक बहादुर लेपर्ड थी। टी, हमसे फिर मिलने आना।